आइए अब आते हैं कारगिल युद्ध पर। 4 जुलाई का दिन कारगिल युद्ध के लिए बहुत ही अहम और एक निर्णायक दिन था, क्योंकि 4 जुलाई 1999 को ही भारतीय सेना ने कारगिल की सबसे अहम चोटी टाइगर हिल को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करवाकर वहां फिर से तिरंगा झंडा फहराया था। टाइगर हिल को फतह करना भारतीय सेना की सबसे अहम कामयाबी थी, क्योंकि इस विजय के बाद भारतीय सेना ने सामरिक रूप से बढ़त हासिल कर ली और उसके बाद पाकिस्तानी सेना को पूरे कारगिल से खदेड़ना आसान हो गया था। लेकिन इसमें भी एक खास और अहम बात है, और वो है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री और तत्कालीन बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी। टाइगर हिल जीतने के दूसरे दिन ही यानी 5 जुलाई को जवानों से मिलने के लिए कारगिल पहुंच गए थे। यहां पर उन्होंने सेना का मनोबल बढ़ाया और अस्पताल जाकर घायलों का कुशल क्षेत्र भी पूछा। इस बात का खुलासा किया था कारगिल वॉर हीरो रिटायर्ड ब्रिगेडियर और बीजेपी नेता खुशाल ठाकुर ने। खुशाल ठाकुर के मुताबिक नरेंद्र मोदी उस समय हिमाचल बीजेपी के प्रभारी थे और 5-6 जुलाई 1999 को सेना का हौसला बढ़ाने के लिए सीमा पर पहुंचे थे। उनके साथ हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और मंत्री रहे गुलाब सिंह ठाकुर भी थे। 4 जुलाई 1999 को 18 ग्रेनेडियर ने टाइगर हिल को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाकर वहां पर अपना तिरंगा फहराया था। 17,000 फीट ऊंची टाइगर हिल पर तिरंगा लहराते ही पाकिस्तान की कमर टूट गई। दुश्मन टाइगर हिल की चोटी पर था और वहां से दुश्मन सीधे श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह मार्ग पर गोलाबारी कर बाधा पहुंचा रहा था। टाइगर हिल पर विजय पताका फहराने के लिए देश के करीब 44 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 15 मई से लेकर 2 जुलाई तक 8 सिख के जवानों ने टाइगर हिल की घेराबंदी करके रखी। इसके बाद टाइगर हिल पर विजय पताका फहराने का जिम्मा 18 ग्रेनेडियर को दिया था। कारगिल युद्ध में अदम्य साहस के लिए 18 ग्रेनेडियर को 52 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। 18 ग्रेनेडियर का नेतृत्व करने वाले खुशहाल ठाकुर को युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया था।